नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमर्स वर्ल्ड। रिटायरमेंट बेनिफिट के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है रिटायरमेंट पेंशन और सुपर एनुशन पेंशन। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक निश्चित समय के बाद किसी विभाग विशेष में अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर होता है तो उसकी उस विभाग में सेवाएं देने के फलस्वरूप उसे रिवार्ड के रूप में तथा भविष्य में जीवन यापन करने के लिए जिस धनराशि का उस विभाग विशेष के द्वारा भुगतान किया जाता है वह पेंशन कहलाती है। और इस पेंशन की कैलकुलेशन उसके द्वारा उस विभाग विशेष में दिए गए सेवाओं के समय को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन की जाती है। जैसे कि हमने पिछले कल चर्चा की थी कि कोई भी एम्प्लॉई विशेष रिटायरमेंट पेंशन अथवा सुपर एनुशन पेंशन का हकदार तभी बन पाता है अगर वो उस विभाग विशेष में कम से कम 10 साल रेगुलर सेवाएं प्रदान करता है। कितने साल? 10 साल रेगुलर सेवाएं प्रदान करता है। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय विशेष की रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो पेंशन की कैलकुलेशन करने के दो मेथड हैं। हम इन दो फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किसी एम्प्लॉय विशेष की पेंशन की कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वह है एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ एम्प्लॉयमेंट ड्रॉ। तो इसमें वह एम्प्लॉय विशेष जब रिटायर होने जा रहा है तो उसकी रिटायरमेंट से पहले के जो 10 महीने हैं उन 10 महीनों में उस एम्प्लॉय विशेष ने जो एम्प्लॉयमेंट ड्रॉ किए हैं उन एम्प्लॉयमेंट का हम एवरेज निकालते हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, लास्ट 10 मंथ के जो एम्प्लॉयमेंट है उनका हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं रिटायरमेंट के पहले के 10 महीनों का। दूसरा, रिटायरमेंट से ठीक लास्ट मंथ या रिटायरमेंट से ठीक एक महीने पहले उस एम्प्लॉय विशेष ने जो पे ड्रॉ की होती है उसका 50%। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ एम्प्लॉयमेंट ड्रॉ, और सेकंड क्या है, लास्ट मंथ पे ड्रॉ का 50%। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तथा इन दोनों में से जो उस एम्प्लॉय विशेष तथा इन दोनों में से जो भी उस एम्प्लॉय विशेष के लिए बेनिफिशियल होगा उस अमाउंट को हम पेंशन के लिए कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी एम्प्लॉय की जो लास्ट मंथ की एम्प्लॉयमेंट है वो 10,000 है, तो उसके जो लास्ट 10 मंथ के टोटल एम्प्लॉयमेंट होंगे वो 1,00,000 हो जाएंगे। और अगर इन 1,00,000 का अगर हम एवरेज अमाउंट निकालें तो वह आता है 10,000 रुपया। तो ये जो पेंशन का अमाउंट है ये फर्स्ट मेथड से आता है। अब मान लो कि उसकी रिटायरमेंट से पहले का जो मंथ है वो जो पे ड्रॉ कर रहा है वह है 15,000 रुपये। तो इस 15,000 का अगर हम 50% निकालें तो वह आता है 7,500।
तो इन दोनों ऑप्शन में से जो बेनिफिशियर है वो अमाउंट ही उस एम्प्लॉय विशेष की पेंशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको जो अमाउंट है वह पेंशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात जो ध्यान में देने योग्य है कि यहाँ पर पे और एमोलमेंट का मीनिंग है बेसिक पे, और अगर उसके एमोलमेंट में ग्रेड पे भी एक पार्ट है तो उस ग्रेड पे को भी पे और इमोलमेंट में शामिल किया जाएगा। इट मीन्स पे और एमोलमेंट इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस ग्रेड पे। इन दोनों के अमाउंट को कंबाइन करते हुए हम लास्ट 10 मंथ के एमोलमेंट का एवरेज निकालेंगे और सेकंड मैटर में लास्ट पे का 50% निकालेंगे। जो अमाउंट आएगा वह बेसिक पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिक पेंशन, पेंशन कहलाएगा। और उस एम्प्लॉय विशेष की जो टोटल पेंशन है वह बेसिक पेंशन प्लस डीए को मिलाकर बनेगी। तो उस एम्प्लॉय की जो टोटल पेंशन मिलेगी वह आएगी बेसिक पेंशन जो लास्ट 10 मंथ के एनरोलमेंट या लास्ट पे ड्राउन के 50% में से जो बेनिफिशियल होगा उसके इक्वल अमाउंट के बराबर होगी तथा उसमें हम डी ऐड कर देंगे। तो इस तरह रिटायरमेंट के समय रिटायरमेंट पेंशन और सुपर एनुएशन पेंशन की कैलकुलेशन की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में जिसका नाम है एनहांस्ड फैमिली पेंशन। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पेंशन या सुपर एनुएशन पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर वह एम्प्लॉय विशेष रिटायरमेंट के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी फैमिली को भी पेंशन का प्रावधान किया गया है। और ये फैमिली पेंशन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन है एनहांस्ड फैमिली पेंशन और दूसरी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। एनहांस्ड फैमिली पेंशन वह पेंशन है जो किसी एम्प्लॉय विशेष की डेथ के बाद उसकी फैमिली को तब दी जाती है जब वह एम्प्लॉय विशेष अपनी रिटायरमेंट के 7 साल के भीतर एक्सपायर हो जाता है। इट मींस जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट के 7 साल पूरे नहीं कर पाता है और इन 7 सालों से पहले वह एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को जो पेंशन दी जाती है वह एनहांस्ड फैमिली पेंशन कहलाती है। तो एनहांस्ड फैमिली पेंशन उसी कंडीशन में दी जाती है जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपनी रिटायरमेंट के बाद 7 साल से पहले एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एम्प्लॉय विशेष 58 में रिटायर होता है तो अप टू 7 ईयर्स, इट मीन्स 58 में रिटायर हुआ तो 59 से उसकी कैलकुलेशन शुरू होगी और इसमें हम 7 ईयर और ऐड करेंगे तो अप टू 1966, तो 1966 तक उस एम्प्लॉय विशेष की अगर 66 से पहले उस एम्प्लॉय विशेष की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो पेंशन दी जाएगी अप टू 1966 वो एनहांस्ड फैमिली पेंशन कहलाती है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? तो इसकी कैलकुलेशन सेम वही है जो कि रिटायरमेंट पेंशन की कैलकुलेशन का है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की 50% ऑफ द लास्ट पे ड्राउन फर्स्ट मेथड और सेकेंड एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ एमोलमेंट। इन दोनों में से जो भी
उस एम्प्लॉय विशेष के लिए बेनिफिशियल होता है उसी अमाउंट को बेसिक पेंशन के लिए कंसीडर किया जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि अपनी डेथ से पहले वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पेंशन विथड्रॉ कर रहा होता है उसकी डेथ के 7 सालों उसकी डेथ के बाद या उसकी रिटायरमेंट के 7 सालों तक उसकी फैमिली को भी वही पेंशन का अमाउंट दिया जाता है जो अमाउंट वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट के समय ले रहा होता है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार की पेंशन एनहांस्ड फैमिली पेंशन कहलाती है। अब हम चर्चा करेंगे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बारे में। तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिलती है और यह पेंशन तब मिलती है जब वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट के 7 साल के बाद एक्सपायर होता है। अगर 7 साल से पहले वह एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को उसकी रिटायरमेंट के 7 साल तक फुल पेंशन मिलती है जो कि एनहांस्ड फैमिली पेंशन कहलाती है। तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लास्ट पे ड्रॉ का 30% होती है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो लास्ट पे है वह 80,000 से है तो उसकी जो पेंशन बनेगी वो 80,000 का 50% बनेगी जो कि 40,000 बनती है। तो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर वो एक्सपायर नहीं होता है तो उसे ये 40,000 बेसिक पेंशन दी जाएगी और उसकी फैमिली को उसकी रिटायरमेंट के 7 साल तक, अगर वो 7 साल से पहले एक्सपायर हो जाता है तो उसकी रिटायरमेंट के 7 साल तक ये 40,000 रुपीज ही उसकी फैमिली को एनहांस्ड फैमिली पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही ये 7 साल पूरे हो जाते हैं तो फैमिली को एनहांस्ड फैमिली पेंशन की जगह ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी जाती है और ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लास्ट पे ड्रोन का 30% होता है। बहुत से मेरे साथियों को इस पॉइंट पर कंफ्यूजन हो जाता है। वो पेंशन का 30% मानकर उसकी कैलकुलेशन कर देते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमने 30% उस इंप्लाइशन की लास्ट पे ड्रोन का 30% लेना है। इस एग्जाम्पल में हम 80,000 रुपए का 30% निकालेंगे जो कि 24,000 बनता है। तो इस केस में उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो बेसिक पेंशन है वो 40,000 रुपये बनती है और एनहांस्ड फैमिली पेंशन भी 40,000 रुपये रहेगी। लेकिन इस केस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 24,000 रुपया होगी जो कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 7 साल के डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिलती है और ये जो पेंशन है ये बेसिक पेंशन होती है और उस एम्प्लॉय विशेष की टोटल पेंशन बेसिक पेंशन प्लस डीए का टोटल भुगतान उस एम्प्लॉय विशेष की फैमिली को किया जाता है। तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन या ऑर्डिनरी टोटल फैमिली पेंशन बेसिक पेंशन प्लस डीए दो कंपोनेंट को मिलाकर बनती है। तो आज हमने
रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है उसके बारे में जाना, साथ ही साथ एनहांस्ड पेंशन तथा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन क्या होती है तथा दोनों किस कंडीशन में एक रिटायरमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद उस एम्प्लॉय विशेष की फैमिली को मिलती है उसके बारे में जाना। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।